नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। पिछले दिनों रतनलाल से लेकर कई मुस्लिम भाइयों को गिरफ्तार किया गया। मामला था सोशल मीडिया पे शिवलिंग को लेकर पोस्ट का। कई मुस्लिम युवाओं पे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कानपुर मामले में लगातार एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है। संविधान को ताक पर रखकर पुलिस टोपी पहने लोगों की तस्वीरें वायरल कर रही है, जिसे सोशल मीडिया वाले बखूबी एक समुदाय को टारगेट करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं। कानून का अपना काम होता है, मैं उनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, मगर हाँ एक बात है कि चाहे कानून हो या व्यक्ति, देश और संविधान से ऊपर नहीं होता। लगातार कानून संविधान के मूलभूत संरचनाओं को भूलकर तानाशाही पे उतर आए तो उसका विरोध भी संविधान के दायरे में रहकर करने की इजाज़त हमें संविधान से प्राप्त है। अजीब बात है कि जिस महिला की वजह से देश में माहौल खराब हुआ, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई, बल्कि बेइंतहा बदनामी हुई, उसी औरत की खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने वाइज प्लस सिक्योरिटी प्रदान की है और ये कहा गया कि कथित तौर पर नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों का संज्ञान लेते हुए इन्हें और इनके परिवार को सुरक्षा दी गई है। कायदे से तो इस औरत के ऊपर भड़काऊ बयानबाजी का मुकदमा दायर करके इसके ऊपर भी वो कानून लगाना चाहिए था जो खासकर मुस्लिम और दलितों के ऊपर लगाया जाता है, मगर यहाँ उल्टा ही हुआ है। जिसने देश का माहौल खराब किया, जिसने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा दी, उसे गिरफ्तारी की जगह सुरक्षा दी गई है। वाह जी वाह, क्या गजब है। कितना अजीब लगता है कि जिस नुपुर शर्मा की गलत बयानबाजी की वजह से हमारे पीएम मोदी जी की साख को बट्टा लगा, भारत को माफी मांगने तक की हिदायत दे दी गई, उस पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक ही तरह के कृत्य के लिए एक को सजा व दूसरे को सुरक्षा, ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों और कब तक? कानपुर मामले में एक बार आप पुलिस के द्वारा जारी इस लिस्ट को देखिए। पुलिस का कहना है कि ये लोग कानपुर मामले में संदिग्ध हैं और ये लोग दंगा कर रहे थे। हयात जफर हाशमी, एहतिशाम कबाड़ी, जीशान आकिब, निजाम कुरैशी, आदिल इमरान कालिया, शहरयान जौहर फैंस एसोसिएशन का यूसुफ, मंसूरी जहांगर और अमीर जावेद, मुदस्सिर मोहम्मद आज़ाद, जीशान एवेंजर, अब्दुल शकील, इफरान चड्डी, शेरा सफ़ी, अरफित आसिफ रैना का भाई इसराइल, अकील खिचड़ी, अदनान परवेज उर्फ चिकन, शादाब शोएब का भाई इसरत अली, मोहम्मद राशिद, अली शान, नासिर आशिक अली, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद साजिद, अनश शाहिद, बिलाल हाजी, मोहम्मद नाजिर, हबीब रहमान समेत सैकड़ों अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी को बताया गया है। साथ साथ अदिल इमरान कालिया, सहरयान जौहर फैंस एसोसिएशन का यूसुफ अंसारी और हामिद जावेद, अब्दुल शकील, अफरीत आसिफ रैना का भाई इसराइल, नासिर आशिक अली, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद साजिद, अनस साहिद, बिलाल हाजी, मोहम्मद नाजिर, हबीब रहमान समेत सैकड़ों अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? चलिए मान लिया आपने कुछ दूसरे समुदाय के लोगों का भी नाम डाला होगा, मगर वो केवल कुछ ही होंगे। इस दोहरे मापदंड के खिलाफ हमें बोलना और लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोहरा मापदंड समय समय पर अक्सर सामने आता है। अजीब लगता है जब लीची की फोटो डालकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले व्यक्तियों को जेल व पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले फ्रिंज एलिमेंट को सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। अगर सुरक्षा ही देना था तो कायदे से इस औरत को जेल में डाल देना था। जेल से बेहतर सुरक्षा क्या ही होती है? एक साथ दोनों काम हो जाने थे। SC ST OBC इस देश की जान है और आप जान को जिगर से अलग कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इस भेदभाव को अगर वक्त रहते ख़त्म नहीं किया गया तो याद रखिए, इस समाज का पतन निश्चित है।
इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज़। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।